नमस्ते, मेरा नाम है शौनक और आप देख रहे हैं टेक रिव्यू। और ये पहली वीडियो है जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड व्हाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज दिस कंटेंट इज स्पेशली फॉर इंडिया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोरोना इफेक्ट से पहले, जो हम लोगों को पता है एक पेंडेमिक हो गया है कोरोना वायरस, उसका असर इंडियन टेक इंडस्ट्री पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब हम बोलेंगे। और उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, उतना भी अच्छा नहीं है, इसलिए अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए। तो कोरोना पे जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस 2, ये अब एक पेंडेमिक हो गया है और इंडिया में भी बहुत जल्दी केसेस बढ़ रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पहले जनवरी मंथ पे बस एक था, फिर फरवरी में ज़्यादा नहीं बढ़ा, फिर मार्च से ये बहुत जल्दी बढ़ने लगा है और अभी तो ये 700 के ज़्यादा हो गया आज के रिकॉर्डिंग के टाइम पे। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेप लिया, द होल कंट्री विल बी लॉकडाउन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सारे देश को लॉकडाउन कर रहा है। तो इसके वजह से बहुत सारे ई कॉमर्स, टेक इंडस्ट्री, पेंडेमिक के वजह से बहुत कुछ तो प्रॉब्लम हो ही रहा था। ग्लोबल इकोनॉमी गिर रहा है और अब क्योंकि हमारा देश भी अब लॉकडाउन है तो देखते हैं क्या क्या हुआ। तो पहले हम लोग आते हैं कि ई कॉमर्स के साइट पे फ्लिपकार्ट ने पहले तो इसका सर्विस पूरा बंद कर दिया था, लेकिन अब इन्होंने बोला कि ये लोग एसेंशियल प्रोडक्ट्स सेल करेंगे। अमेज़न ने भी ये कहा, वो अमेज़न लोगों ने ऑर्डर ले रहा है एसेंशियल प्रोडक्टों का, लेकिन कब डिलीवर होगा वो तो पता नहीं। ग्रॉसरी कॉमर्स में अगर हम जाए तो आ गया हमारा ग्रोफर्स, बिग बास्केट जैसा, न्यू दिल्ली में चल रहा है, कलकत्ता में वो लोग जल्द ही सर्विस आरंभ कर देगा फिर से, लेकिन कुछ कुछ स्टेटों में ई कॉमर्स फुल्ली बैंड है। यूट्यूब जो है, यूट्यूब, आप ये वीडियो शायद यूट्यूब में ही देख रहे हैं, तो यूट्यूब ने डिसाइड किया कि जो उन लोगों का ऑटो रिकमेंडेशन स्टैंडर्ड है वो उसको वो लोग 480p पे ले आएगा। एप्पल का जो मार्जिन था इस क्वार्टर पे प्रॉफिट का, वो लोग फुलफिल नहीं कर सकता, ये बहुत पहले ही बोल दिया था। SSD का जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ रहा है बहुत। अब चलते हैं इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट है। स्मार्टफोन मार्केट तो Xiaomi, Realme ऑनलाइन स्टोर पे ये लोग तो रूल कर रहा था। तो Xiaomi का जो Mi 10 आ रहा था वो अभी के लिए पोस्टपोन है। Realme का कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन भी पोस्टपोन हो गया है, बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्चेस पोस्टपोन हो गया है। Xiaomi एक अच्छा कदम लिया, वो लोग मार्क्स देंगे कुछ 1 या 2 लाख मार्क्स। बाय द वे, मनु कुमार जैन ने वो बोला था तो वो अभी आप शायद आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। कुछ सर्विसेज है, ऑनलाइन सर्विसेज जो फ्री में उन लोगों का प्रीमियम सर्विस दे रहे हैं, जैसे इरोस नाउ बोल रहा है, अगर आप स्टे होम या स्टे सेफ ऐसा करके कुछ प्रोमो कोड है, अगर वो आप यूज़ करते हैं तो आपको 1 महीने तक फ्री मिलेगा, ऐसा ही कुछ। तो ऐसा चल रहा है ई कॉमर्स में, ऐसा चल रहा है ये जो एंटरटेनमेंट सर्विस है यहाँ पर। बस यही, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से ना निकले। मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, मैं फिर से बोलता हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।